हम आपको चुनौती देते हैं, आप हमसे द्वंद कीजिए। हम भी तो देखे हम तलवारबाजी भूल तो नहीं गए। नहीं महारानी सिरुमलम्बा, आप रहने दीजिए। हाँ छोटी महारानी, महाराज बिल्कुल उचित कह रहे हैं, आप रहने दीजिए, आपको चोट लग सकती है। हमें कुछ नहीं होगा, हमने बाल काल में तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया है। अवश्य अवश्य लिया है, हमें याद है, परंतु इस समय रहने दीजिए आप महारानी तिरुमलम्बा। महाराज निर्भीक क्षत्रिय वही होता है जो चुनौती स्वीकार करे, यही क्षत्रिय धर्म है, और आप अपने धन का निर्वाह कीजिए। अवश्य आइए, हम अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करते हैं। महारानी तिरुमलम्बा द्वंद करना है, तलवारबाजी, प्यास नहीं काटने। महाराज हमें ज्ञात है, परंतु हम अपने प्रतिद्वंदी का अभिवादन इसी प्रकार से करते हैं। कीजिए फिर हमारा भी स्वागत, कीजिए द्वंद। महाराज आप हमारे पति परमेश्वर हैं, महाराज हम आप पर आक्रमण कैसे कर सकते हैं? यदि आप हम पर प्रहार नहीं करेंगी तो हमारी प्रतिद्वंदी कैसे बन पाएंगी? महाराज हम आप पर नहीं, आपकी तलवार पर प्रहार करेंगे। आप हमें अपनी तलवार पर प्रहार करने के लिए कहिए। उचित है। ये तलवारबाजी की प्रतिस्पर्धा हो रही है। आप एक ही जगह पे प्रहार कर रही है महारानी तिरुमलम्बा। महाराज आपने भी तो तलवार एक ही स्थान पर रखी है ना, तो हम क्या करें? अच्छा अब यहाँ पकड़ते हैं। महारानी निर्मलम्मा, छोटी महारानी, धीरे धीरे, अधिक पीड़ा हो रही है महाराज। जी बहुत पीड़ा हो रही है। क्षमा कर दीजिए महाराज हमें, ये हमारी ही त्रुटि है, हमें महारानी तिरुमलम्मा को रोक लेना चाहिए था। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। हम कहाँ हैं? आप राजमहल में हैं, थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। महाराज की जय हो। आदरणीय राजपुरोहित जी, महामंत्री जी और पंडित रामाकृष्णा जी आपसे भेंट करने की अनुमति चाहते हैं। जी बुलाइए उन्हें अंदर। महारानी चिन्ना देवी, आप हमारे कष्ट की चिंता ना कीजिए, कस के गांठ मारिए। कस के कितनी छोटी सी प्यारी सी थी, हिलती थी तो कितनी बढ़िया लगती थी, जिसके एक संकेत पर क्या से क्या हो जाता था। आज पट्टी में छुप गई। शांत शांत गुरु जी, धैर्य रखिए। कैसे शांत रहे, क्या धैर्य रखे, आत्मा क्लांत है हमारी। हे भगवान ये क्या किया आपने, यदि उंगली काट ली थी तो हमारी काट लेते, महाराज ने क्यों काटी? नाटक कम कीजिए, रक्तचाप बढ़ गया तो हृदयघात हो जाएगा आपको। हाँ। महाराज हमारी सहानुभूति है, आशा करते हैं कि आपका घाव शीघ्र भर जाए। धन्यवाद महामंत्री जी। पंडित रामकृष्णा जी, महाराज आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? मैं क्या कहूँ महाराज? क्या कहूँ अर्थात, हमारी उंगली कटी है, कोई खेद, कोई संवेदना, कोई सहानुभूति, कुछ नहीं। मैं नहीं, खेत तो मुझे है महाराज, किंतु उंगली का मात्र छोटा सा भाग कटा है, और ईश्वर जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी पंडित रामकृष्णा, क्या कह रहे हैं आप? महाराज आपकी अन्नदाता है, महाराज ने आपको मान दिया, सम्मान दिया,
और महाराज के कष्ट को देखकर आपको कष्ट नहीं हो रहा है? शिव 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 शिव, कितने निष्ठुर हैं आप! महाराज को कष्ट में देखकर आप कह रहे हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, प्रसन्न हो रहे हैं आप? गुरुवर, मैं प्रसन्न कहाँ हो रहा हूँ? मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। महाराज के इस कष्ट के पीछे ईश्वर की अवश्य ही कोई इच्छा रही होगी जिससे महाराज का भला हो। पंडित रामकृष्ण, हमारी उंगली कटी है, इसमें भला क्या हो सकता है? यदि भलाई है तो सिद्ध करके दिखाइए पंडित रामकृष्ण, सिद्ध करके दिखाइए। महाराज, हम पंडित रामकृष्ण के इस उद्दंड व्यवहार से बहुत आहत। आपका अपमान हमारा अपमान है महाराज, हमारा ही नहीं संपूर्ण विजयनगर का अपमान है। तीन दिन में सिद्ध करके दिखाइए कि भगवान जो करते हैं अच्छा के लिए करते हैं, अन्यथा हम आप गुरु पंडित रामकृष्णा, यदि ये बात आपने भूल से कही होती तो हम समझ सकते हैं, परंतु ये बात आपने सोच विचार कर कही है। कौन आप ये बात सिद्ध कीजिए, ईश्वर जो कुछ भी करते हैं भले के लिए करते हैं, इसके लिए आपके पास केवल 3 दिवस है, अन्यथा आपकी उंगली काट दी जाएगी। बहुत अच्छी, उचित नहीं है महाराज। परंतु महाराज, पंडित रामकृष्णा, मात्र 3 दिवस। के लिए जा रहे हो और छींक आ जाए तो अशुभ होता है, इसलिए थोड़ी देर के लिए रुक जाए। अरे अम्मा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, समय पर दरबार पहुंचना है, विलंब हो रहा है। रुक जाओ, इसी अवधि के लिए रुक जाओ। ठीक है। अपशकुन हो गया, आप नहीं जा सकते। शारदा, बहुत हो गया। शकुन अपशकुन, शकुन अपशकुन। अरे दरबार समय पर पहुंचना है, पहले ही विलंब हो गया है। रुक जाइए। अरे क्या हो गया? काली बिल्ली का रास्ता काटना अपशगुन होता है, कार्य बिगड़ जाता है। तुम दरबार मत जाओ, अपशगुन पे अपशगुन हुए जा रहे हैं। हो गया अम्मा, मैं भी ये कह रहा हूँ, बहुत हो गया। वो काली बिल्ली नहीं, काली बकरी का बच्चा था बस। क्या तलता, बिल्ली बिल्ली ने तो बकरी का बत्ता ही तोल दिया लामा के सामने। अच्छा, अब समझ में आया कि ये सारा नाटक तुम लोग जानबूझकर कर रहे हो। बताओ क्या रहस्य है, बताओ बताओ। अम्मा ने कहा था। हाँ अम्मा, आपने कहा था ना अम्मा? अम्मा कह रही थी कि उगाड़ी के उपलक्ष में दुर्गा माँ के मंदिर के बाहर एक विशाल मेला लगा है, इन्हें वहाँ जाना है। हाँ लावा, बहुत ही विशाल मेला,
बुद्ध में अजायब घर भी है जिसमें अलग अलग तरह की बातों पत्ती भी और अलग अलग तरह की वस्तुएं भी मुझे वो देखना 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 और हमें भी चूड़ियां खरीदनी है रंग बिरंगी रंग बिरंगी महोदया मेले में जाना है तो मेरा समय व्यर्थ करने की क्या आवश्यकता है यहाँ मेरी उंगली दांव पर लगी है यहाँ इन्हें मेला देखना है तुम लोग जाओ मैं नहीं जाऊंगा अरे ऐसे कैसे नहीं जाएंगे जब हम वहाँ पर सामान खरीदेंगे तो उसे उठाएगा कौन और मेरी मिठाई कौन विकला करके लाएगा जब मुझे प्यास लगेगी तो मेरे लिए शीतल जल कौन लेकर आएगा यूं कहो ना अपनी चाकरी करने के लिए लेके जाना है नहीं जाऊंगा कदापि नहीं जाऊंगा कैसी बातें कर रहे हैं आप हमारे साथ रहेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम सुरक्षित हैं सुरक्षित हैं उसके लिए अम्मा है ना अम्मा और उनकी लाठी इससे अच्छी सुरक्षा व्यवस्था और क्या हो सकती है अब मुझे दरबार जाने दो नहीं तो विलंब से पहुंचने के कारण वहां उपहास का पात्र बन जाऊंगा अरे अम्मा हम मेले में ही जाएंगे और कहीं नहीं शारदा हट मत करो जाने दो मुझे महाराज भी वही मेले में आ रहे हैं समझे वहां जाकर उनसे क्षमा मांग लो ये अत्यंत उत्तम अवसर है अन्यथा आपकी उंगली काट दी जाएगी अच्छा तो सारा वृत्तांत ज्ञात हो गया तुम लोगों को तभी तो मैं सोचूं कि मुझे मेले में भेजने के लिए इतना विवश क्यों किया जा रहा है हाँ मेले में चलकर उठा लो अरे मेले में क्या उठा लूं अपने हाथ उठा लो और उनसे क्षमा मांगो मैं क्यों क्षमा मांगू मैंने कोई त्रुटि नहीं की है त्रुटि नहीं की महाराज की उंगली कट गई और तूने कहा अच्छा हुआ वो तो महाराज की महानता है कि उन्होंने केवल तेरी उंगली कटवाने का आदेश दिया अन्यथा गर्दन कटवा देते माला दे कटवा भी तकते अंकल मुझे तोत लगे और कोई कहे अच्छा हुआ तो मैं उसे दंती माल माल कर उसका थल फोल दू अम्मा मैंने ऐसा नहीं कहा था कि अच्छा हुआ मैंने तो केवल ये कहा कि ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं ये बोलने की भी क्या आवश्यकता थी तू इतना बोलता ही क्यों है चुप नहीं रह सकता तुमने जो मौन व्रत धारण कर लिया है कोई तो भूलेगा ना देखो अम्मा सत्य तो यही है कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं बस ये समझ में नहीं आ रहा कि इसे सिद्ध कैसे करूं हे सिद्ध पुरुष कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है जा और जाकर महाराज से क्षमा मांग ठीक है जा रहा हूं भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते पंडित रामकृष्ण प्रणाम मंत्री भाई प्रणाम पंडित रामकृष्ण महाराज मेला देखने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं बहुत ही सुंदर और उचित अवसर है आप महाराज से मिलकर क्षमा याचना कर लीजिएगा अच्छा तो ये आपकी योजना थी पंडित रामकृष्ण केवल हमारी नहीं बल्कि अम्मा गुंडप्पा और शारदा देवी हम सभी की सम्मिलित योजना थी और अपने लिए ना सही परंतु अपनी उंगली के लिए तो ये कार्य कर ही सकते हैं हाँ मंत्री भाई अच्छी बात आप एक काम कीजिए आप इसे ले लीजिए इन वस्त्रों की क्या आवश्यकता है आप महाराज से भेंट करने के लिए देश बदल कर जाएंगे पंडित रामकृष्ण मंत्री भाई भेष बदल कर महाराज से क्षमा मांगूंगा जी हाँ पंडित रामकृष्ण क्या है कि महाराज ने भी अपना वेश बदला हुआ है यदि महाराज अपने वास्तविक रूप में प्रजा के समक्ष चले गए तो प्रजा उनसे निसंकोच होकर परिचर्चा थोड़ी ना कर पाएगी आप भी व्यापारी का वेश धारण कर लीजिए यदि आप वास्तविक रूप में जाएंगे तो स्वयं भी पहचाने जाएंगे और महाराज की वास्तविकता भी खुल जाएगी उचित है मंत्री भाई और स्मरण रहे पंडित रामकृष्ण महाराज की पगड़ी में एक हरे रंग का पन्ना जड़ा हुआ है आप उन्हें पहचान लीजिएगा ठीक है मैं भली भांति समझ गया प्रतीत होता है ये महिला है आपसे भेंट करने आ रही नहीं महाराज जी हम तो महाराज
हाय, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ऐसा क्या प्राप्त हो गया गुरुवर कि भगवान को धन्यवाद कह रहे हैं आप? कुछ 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 नहीं महाराज, कुछ नहीं। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए, हम हैं यहाँ आपकी सेवा के लिए। बताइए हम क्या सेवा करें आपकी? प्रणाम गुरुजी। गुरुजी आपकी सेवा के प्रयोजन से तो हम यहाँ उपस्थित हैं। आप ही नहीं तो कहा था कि भेष बदल कर आना ताकि कोई पहचान ना पाए, इसीलिए तो हमने ये रूप धारण किया है। अरे मूर्खो, भेष बदलने के लिए कहा था, ये भेष धरने के लिए नहीं कहा था। ये रूप बना तुम्हें, और कोई रूप नहीं था। गुरुजी हमने गुरु माता से कहा, निवेदन किया, उन्होंने अपने पुराने वस्त्र हमें दे दिए, और कोई विकल्प ही नहीं था। फिर हमने सोचा कि इसी को धारण कर लेते, अगर आपके पास कोई वस्त्र है तो हम वो भी धारण कर लेंगे। नहीं नहीं, आप दोनों जैसे हैं उत्तम लग रहे हैं, शीघ्र चलिए, विलंब हो रहा है गुरुवर। महाराज आप चिंतित ना हो, कोई समस्या नहीं है। हम है ना, हमें पहुँचने का एक छोटा मार्ग ज्ञात है, उस मार्ग से जाएंगे तो शीघ्र पहुंच जाएंगे और समय की बचत भी होगी। छोटा मार्ग? जी महाराज। अब एक क्षण रुकिए महाराज, इस पंख को आप अपनी पगड़ी में लगा लीजिए। महाराज ये नेपाली चिड़िया का पंख है, इसे लगाने से हम स्थानीय व्यक्ति प्रतीत नहीं होंगे, ऐसा लगेगा जैसे हम दूर देश से आए व्यापारी। गुरुवर हमने वेश बदला हुआ है, इसकी क्या आवश्यकता? लगा लीजिए महाराज, इससे आपकी और सहायता होगी। उचित है, आइए महाराज। चल रहे, चलते गुरु जी के पीछे पीछे। क्या कर रहा है, मुझे कहाँ ले जा रहा है? आगे सघन वन है। अरे सर्प के डर से सिंह के मुंह में जाएगा क्या? अरे क्या नाम है तेरा? अरे रुक तो। अरे ये तू मुझे कहाँ ले आया है? चारों तरफ घना जंगल है, लगता है हम मार्ग भटक गए हैं। अब किस दिशा में जाएं? एक काम करता हूँ, जिस दिशा से तू मुझे भगा कर लाया है उसी दिशा में चलता हूँ। चल। गुरुवर महाराज, इस वर्ष विजयनगर में वर्षा अधिक हुई है, अब देखिए ना कितने नवीन वृक्ष उत्पन्न हो गए। मार्ग को लेकर थोड़ा संदेह उत्पन्न हो रहा है। संदेह? गुरुवर वन सघन होता जा रहा है, आप मार्ग भूले तो नहीं है ना? नहीं महाराज, नहीं हम भटके नहीं, हमें इसी मार्ग पर जाना है। आइए महाराज। बूढ़ा मार्ग भूल गया है, आज ये वन्य प्राणियों का भोजन बनवाएगा हमें। तुझे बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है? हाँ हाँ पता है, तुझे भी तृष्णा लगी है, मुझे भी लगी है, कंठ सूख रहा है। सर्वप्रथम जल का कोई स्रोत ढूंढते हैं, तत्पश्चात घर जाने का मार्ग ढूंढेंगे। आते समय मैंने जल का कोई स्थान देखा तो था, हाँ उधर देखा था। चल उधर चलते, आ जा आजा। एक क्षण महाराज, एक क्षण, एक क्षण, एक क्षण। महाराज हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमें इस मार्ग पर जाना है। इस दिशा में? नहीं नहीं महाराज, इस दिशा में नहीं, इसी मार्ग पर जाना है। गुरुवर हमें जहां जाना है वहां का मार्ग आपको भली भांति ज्ञात तो है ना? हाँ महाराज, याद तो था, अवश्य याद था। अभी एक माह पूर्व इसी लघु मार्ग से हम दुर्गा माता के मंदिर में अनुष्ठान करने के लिए गए थे। अब एक माह में ये वन अपना स्वरूप इतना परिवर्तित कर लेगा, इसका अनुमान नहीं था हमें महाराज। गुरुवर आप एक कार्य कीजिए। जी। आप हमारा अनुकरण कीजिए, हम आपको इस सघन वन से बाहर निकाल कर ले चलते हैं। क्यों जी, आप आगे बढ़िए महाराज। चा 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 चा।
वह दूर देश से आए हुए व्यापारी हैं, साथ में स्त्रियां भी हैं, इनसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज हम आपसे कहना चाह कृष्ण महाराज की क्या करने जा रहे हैं आप? तलवार खोड़े पर है। नहीं महाराज, व्यर्थ में साहस मत दिखाइए, हम सबके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। गुरुजी ये विचित्र प्राणी कौन है? अरे हमसे क्या चाहते हैं गुरुजी? हमें क्या पता मूर्खो, उसे पूछो और पता करके हमें भी बताओ। अरे ये क्या महाराज, ये महाराज ये क्या क्या हो रहा है महाराज? ये भगवान, ये मैं कहां फंस गया? महाराज तक सूचना भिजवानी होगी ताकि वो आकर मुझे मुक्त करवा ले। क्या हुआ हुरूर भाई, ये क्या है? नहीं ये, अरे अरे दिख नहीं रहा कुछ।